Hello students, welcome to this presentation. In this presentation we shall be discussing about curriculum adaptations. Curriculum adaptation di gal apa pehla curricular consideration vich kar chuke ha, but we have a different topic in our second unit which deals with the curriculum adaptation specifically. So is topic vich apa same cheez nu detail vich karange and plus ye dekhange ki kehdiyan modifications hai ya curriculum ya syllabus nu si kive adapt kar sakde ha. जे तुसी एक स्पेशल एजुकेशन टीचर हो तो थोनों ये जरूरत हमेशा ही रहेगी कि तुसी अपने करिकुलम नू अपने बच्चे दियां लोड़ा अनुसार मॉडिफाई करो सो दैट तुसी अपने बच्चे दी जिहड़ी चांस ऑफ सक्सैस है उसकी सक्सैसफुल होने की या उसकी अचीवमेंट नू असी वधा सकीए. सो वैन वी टॉक ऑफ स्पैशल स्कूल्स और स्पैशल क्लासरूम्स तो जनरली साढ़े कोल इफ फाइव मेन तरह दियां स्पैशल डिसेबिलिटीज़ या कह लो या स्पैशल प्रोविजन वाले बच्चे हैं जो साढ़े को आते हैं हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकती जिस बच्चे को सुनने की कोई प्रॉब्लम हो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं सीखने की प्रक्रिया के कोई प्रॉब्लम्स हो सकती ने मेंटल रिटार्डेशन इमोशनल डिसेबिलिटीज काफ़ी हद तक बच्चों होंगे जितने वो अपने इमोशनस राइट वे नाल कंट्रोल नहीं कर सकते अटेंशन डेफिसिट या तो ध्यान ना देना या लोड़ तो वध एक्टिव होना दोनों डिसऑर्डर्स अपनी नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग नू अफेक्ट करते हैं. इस तो इलावा कोई होर स्पेशल नीड भी हो सकती है जिवें विजुअल इंपेयरमेंट हो सकती है इंटलैक्चुअली गिफ्टिड हो सकते हैं क्रिएटिव हो सकते हैं एनी अदर स्पेशल नीड. सो बेसिकली थोड़े को जो तुम इंक्लूसिव क्लासरूम करोगे तो वो यू विल हैव दीज काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो चलदी क्लास के वेखन मिलनगियाँ. ना वॉट डू यू मीन बाय करिकुलम अडैप्टेशन. करिकुलम अडैप्टेशन इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसैस. ऑनगोइंग प्रोसैस का मतलब है लगातार चलन वाली प्रक्रिया है जिस दे विच असी रेगुलरली जरा प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम है जो सानू बोर्ड ने या यूनिवर्सिटी ने दस्या होया सिलेबस है या करिकुलम है उन्हों असी या तो मॉडिफाई करते हैं बदलते हैं या कोई बदलाव ना किते बिना भी उसनू चाहे कंटेंट दे रूप विच भी जो मैं टॉपिक्स पढ़ाने हैं उदे रूप विच या उसनू पढ़ाउन दी विधि दे आ पढ़ाउणा किस ढंग नाल है उन्हों आपां की कर लैंदे थोड़ा जिहा अडैप्ट कर लैंदे आ तां जो असी उन्हां सारे बच्चे दियां जो सीखण नाल संबंधित लोड़ां ने जिन्हों कोई लर्निंग डिफिकल्टीज़ है उन्होंने असी सॉल्व कर सकी. सो करिकुलम अडैप्टेशन इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस लगातार चलन वाली प्रक्रिया जिस दे नाल असी अपने मौजूदा करिकुलम दे विच या तो बदलाव लेके आने या उसनू विषय वस्तु बदल के या पढ़ाउन दी विधि बदल के बच्चे दियां लोड़ां अनुसार टाल लें उस चीज़ नू आपां कहिंदे करिकुलम अडैप्टेशन. सो जिस विच तुहाडे कोल इह खुल है कि तुसी चाहे कंटेंट नू मॉडिफाई कर लो या टीचिंग प्रोसेस नू मॉडिफाई कर लो मुलांकन की विधि नू मॉडिफाई कर लो जिस तरह तुसी बच्चे नू इवैलुएट करना है या अपनी जिहड़ी फिजिकल इनवायरमेंट है जिहड़ी अपनी क्लास की सैटिंग है या क्लास के बैठने का ढंग है उसनू असी अडैप्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं. उस तो इलावा जिहड़ियां तुसी नॉर्मल गतिविधियां क्लास कराने हो उहदे विच भी तुसी बदलाव कर सकते हो सो दैट हर बच्चे नू उन्हां गतिविधियां नाल फायदा हो सके. अगेन आपे पहला डिस्कस किया सी कि सानू इस बदलाव की लोड़ क्यों है इक्वैलिटी देने लई सबनू जिन्नी चीज़ की जिस तरह की उन्होंने लोड़ है उस तरह की सहूलियत प्रदान करने लई एंड उन्हां दियां नीड्स नू सैटिस्फाई करने लई. सो करिकुलम अडैप्टेशन का कदे भी मकसद सिक्ख्या के मियार नू नीवा करना नहीं है. सो इस करिकुलम इज़ अडैप्टेड टू मेक एजुकेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट असैसीबल. सब तो पहला आप करिकुलम की अडैप्टेशन सिर्फ इसलिए करते हैं कि एजुकेशन सिक्ख्या तक हर एक बच्चे की पहुँच हो सके एंड फिर दूसरी गल कि किसी भी बच्चे नाल धक्का ना हो या उसनू आप नॉर्मल टीचिंग प्रोसैस तो बाहर ना कढ़ीए. सो जिवें आप पहला उपर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि दीज आर डिफरेंट वेज या डिफरेंट एरियाज जिते तुसी अपनी सिलेबस दी विच एडजस्टमेंट्स या मॉडिफिकेशन कर सकते हो अध्यापन या सीखन वातावरण अध्यापन सीखन विधियां अध्यापक सीखन दियां सहायक समगरी जो तुसी यूज़ करते हो बच्चे नू मदद देन दा थोड़ा पद्धर एंड मुलांकन दी विधि. अगेन दिस वॉज समथिंग विच डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस प्रेजेंटेशन कि किसी भी अडैप्टेशन लई थोनू फ्लो का जो प्रिंसीपल है वो फॉलो करना पऊ फिट इन टू द क्लासरूम इनवायरमेंट थोड़ी अडैप्टेशन या थोड़ा बदलाव है जिहड़ा वो क्लास की वातावरण के फिट होना चाहिए उस नाल हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड पूरी होनी चाहिए जी एंड ऑफ द डे अगेन कुछ बच्चे लैफ्ट आउट रह जाते हैं फिर साड़ी अडैप्टेशन फ्रूटफुल नहीं है. बच ऑप्टीमाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच स्टूडेंट हर एक बच्चे की जी समझ है उन्होंने वाधा करे एंड वर्कस वैल विद द एक्टिविटीज़ प्लैन फॉर द लैसन जो तुम एक्टिविटीज़ प्लैन की उन्होंने नाल एक तरतीब उसनों संचालित कर सको. सो जो आप अडैप्टेशन का एक फ्लो चार्ट है दिस यू कैन लर्न
एंड मेक इट इन योर एग्जाम्स कि अडैप्टेशन तीन पद्धति है, करिकुलम जो तुम पढ़ा रहे हो, इंस्ट्रक्शन जिस तरह पढ़ा रहे हो, एंड इकोलॉजिकल हो गया इनवायरमेंट। करिकुलम दे विच असी की कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री कोई एक्स्ट्रा स्टडी मटीरियल दे सकते हैं, जिवें जे तुहानूं याद होवे 9th 10th विच तुसीं रेफरेंस बुक्स पढ़ते सी, सो गिफ्टिड बच्चे नूं तुसीं रेफरेंस बुक्स दे सकते हो। उस तरह जिहड़ा बच्चा स्लो लर्नर उहदे लई असीं कोई ईजी लैंगुएज का टैक्सट मटीरियल दे सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं, थोड़े ऑब्जेक्टिवस कर लो या डिफिकल्टी लैवल है जरा उसनों घटा दो, कुछ ऑल्टरनेटिवस दे सकते हैं, कोई स्पैशल इन लिए एक्सट्रा क्लासेस लगा सकते हैं जिदे विच असीं तुसीं उहनां नूं सिलेबस तो वक्त कुछ चीज़ा सिखाओ, जिवें सपोज जे अपना बच्चे की स्पीच या बोलने दे विच कोई प्रॉब्लम है तो उस स्पेसिफिक बच्चे लिए असी एक स्पीच थैरेपी की क्लास लगा सकते हैं। इंस्ट्रक्शनस हो गया, निर्देश देने की विधि, उहदे विच तुसीं निर्देश की डिफिकल्टी मतलब जिवें तुसीं किन्ने डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हो, किन्ने अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इको टाइम तुसीं किन्नी टॉपिक पढ़ा रहे हो, उन्हां चीज़ों में बदलाव कर सकते हो, तो बच्चे तो जो जवाब असीं एक्सपैक्ट कर रहे हैं उहदे विच बदलाव कर सकते हैं। इकोलॉजिकल हो गया साडे वातावरण नाल संबंधित चेंज बदलाव, जिहदे विच असीं वैन ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਟੇਜ, ਜਨਰਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਪੇਅਰਿੰਗ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਪੋਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਿੱਪ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸਦੀ ਕਿਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਅ ਵੀਕ ਗੈਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਛੋਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 500 to 600 ਵਰਡਸ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 to 200 ਵਰਡਸ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਪੀ ਚੈਪਟਰਸ ਆਫ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ, ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਚਲਾਉਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਬਟ ਦੈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਪੈਨਸ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਈਵਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਿਡ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿਓਗੇ, ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ। ਉਸਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ, ਸੋ ਯੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਸਮ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਸ਼ੋਰਟ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਨ ਯੋਰ ਕਰੀਕੁਲਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੀਕੁਲਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੀਕੁਲਮ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਹਰ ਲਰਨਰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PDF ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਵੋਇਸ ਓਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਮ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਫੋਰ ਦ ਦਿਸ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਮੇਕਸ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਕੁਲਮ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਅਰਲੀਅਰ
कि साड़ी अडैप्टेशन नाल किसी भी हद में थोड़ा ओरिजिनल कॉन्सैप्ट ऑफ करिकुलम चेंज नहीं होना चाहिए। तुसी कोई टॉपिक रीप्लेस नहीं कर सकते, बस टॉपिक दे विच जिवें सपोज आप नाउनस है, किसी बच्चे नाउन की तुसी एग्जाम्पल थोड़ी जी डिफिकल्ट पढ़ा रहे हो, उस बच्चे ईजी पढ़ा सकते हो, बट यू कैन नॉट यही नहीं कर सकते कि एक बच्चे नाउन असी पढ़ाइए ही ना। सो ओरिजिनल कॉन्सैप्ट है जो करिकुलम का वो नहीं बदलना चाहिए। फॉर प्रोवाइडिंग द सेम एक्सपीरियंसिस कंपनसेटरी एक्टिविटीज़ प्लान करो। ये नहीं है कि तुसी एक्सपीरियंस बच्चे नू सेम देना है, मतलब ये नहीं कि आप कहिए कि एक बच्चा मेरे को ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है तो अज असी बच्चों ट्रिप पर लैके जा रहे थे तो अस कहना तेनों नहीं लैके जावे तेरे तो तुरया नहीं जाऊ। नो, यू नीड टू प्लान सम काइंड ऑफ कंपनसेटरी एक्टिविटी फॉर दैट चाइल्ड कि जो तो बच्चे फील्ड ट्रिप पर जाएंगे वो बच्चा की करेगा, या जो तुम नाल लैके जाओगे उत्थे तुसी किसी हेल्पर का अरेंजमेंट करोगे। सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन। ऑब्जेक्टिव्स हैं जेरे वो सेम रहने चाहिए हर बच्चे लिए। ये नहीं है कि किसी बच्चे लिए ऑब्जेक्टिव्स असी कुछ होर बना ले, किसी लिए कुछ होर बना ले। मॉडिफिकेशंस शुड एम टू फैसिलिटेट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। मतलब एंड ऑफ द डे जो आप कोई मॉडिफिकेशन करिए तो उस नाल सानू ये चीज़ होनी चाहिए कि मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट कर सकन। जो उन्होंने मॉडिफिकेशंस भी कुछ बच्चों असी मोटिवेट नहीं कर पा रहे दैन दैट मीन साड़ियाँ अडैप्टेशंस राइट तरह नहीं बनिया हुई। अगेन थोड़े को एग्जाम्पल्स हैं कि जे थोड़े बच्चे ऑडिटरी लर्नर है, किसी सिर्फ बच्चा ऑडिटरी लर्नर, अगेन आप लर्निंग स्टाइल्स किए से ऑडिटरी लर्नर इज़ अ परसन जो सुन के लर्न करता है, तो वो वर्बल के नाल नाल रिटन असाइन डायरेक्शन भी दे सकते हो बच्चे नू। प्लेस असाइनमेंट डायरेक्शन ऑन टेप, जिन्हिया भी थोड़ी डायरेक्शन उन्होंने रिकॉर्ड कर दो सो दैट बच्चा रीप्ले कर सके। उसनू ओरल टेस्ट दो रिटन की बजाय, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेप रिकॉर्डर या रेसीटेशन करके बच्चे को कहो भी मैं रिकॉर्ड करके वापस उन्होंने प्ले आउट करो या उस तो भी उम्मीद लो। सो बच्चे उच्ची उच्ची बोलने लिए उन्होंने कहो कि जो पढ़ना है तो हर कंटेंट नू बोल बोल के पढ़ना है। हैव चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज टू ट्राई एंड हीयर वर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन। मैनी टाइम्स जो कि होंगे कि असी सारिया सेंसेस नू यूज़ करते हैं तो असी ढंग नाल नहीं सुन पाते, सो इट्स बैटर कि असी एक सेंस बंद करवा दिए एंड देन बच्चे को कहिए कि सारिया आवाज़ों पर कंसनट्रेट करना। दिस विल हैल्प पीपल जिन्हों का ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल है। ना दिस इज़ हाउ यू मेक अ डिसीजन जो तुसी कोई अडैप्टेशन करनी है तुसी किवें करोगे उदे स्टेप्स ने। सब तो पहला तुसी बच्चे दिया इंडिविजुअल लेवल ते उदे एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नू आइडेंटिफाई करोगे। फिर नॉर्मली बच्चे तो की एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस नू लिखोगे एंड दैन डिटरमिन वॉट टू टीम। तुसी कल्ले नहीं डिसाइड करोगे असी की बनाना, यू विल वर्क लाइक अ टीम। टीम च तुसी स्टूडेंट कोई रिसोर्स टीचर हो सकते हैं, बट दैन एज अ टीम वी विल डिसाइड दी जनरल एजुकेशन एक्टिविटी जो असी उस बच्चे लिए पढ़ावांगे एंड दैन हाउ टू टीच। अगेन असी ये देखांगे कि एजुकेशन की जी मैथड है मॉडिफिकेशन उस असी की चेंज करना है। दैन यू विल सिलेक्ट दी अडैप्टेशन कि अडैप्टेशन थोड़ा कितने करन दी लोड़ है, इंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट, लेसन फॉर्मेट विच, स्टूडेंट स्पेसिफिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज, गोल्स, क्लासरूम इनवायरमेंट, मॉडिफाई करना मटीरियल या कोई नैचुरल सुपरविजन देनी। जे इन चो कोई भी स्ट्रैटेजी थोड़ा काम नहीं करती दैन यू विल वर्क फॉर एन ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी, तुसी कुछ होर देखोगे एंड लास्ट विच तुसी इवैलुएट करोगे कि उस अडैप्टेशन नाल सानू फायदा भी होया या नहीं। सो इंडिविजुअल लेवल ते 9 काइंड्स ऑफ करिकुलम अडैप्टेशंस हैं जो नॉर्मली असी बच्चों करते हैं। आप प्रीवियस स्लाइड भी डिस्कस किया, बट दैन कदे भी कोई अडैप्टेशन करन लगे एक चीज़ का ध्यान रखना कि अडैप्टेशंस जिहड़ियां थोड़ियां ने वो कोरिलेट करन टू इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। सो जिन्हें भी साड़ी अडैप्टेशन है वो व्यक्तिगत तौर पर बच्चे सानू हेल्प करन, कोरिलेट दैम टू द इंडिविजुअल एजुकेशन। व्यक्तिगत प्लान्स के नाल उन्होंने कोरिलेट करो। डू नॉट अडैप्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अडैप्टेशन। ऐ नहीं कि असी सिर्फ हीरो बनती करन लई या कुछ ऐ करन लई कि मैं कुछ बड़ा विलक्खण कर रही हाँ असी कोई अडैप्टेशन करनी है, बट अडैप्टेशन इस मन नू ध्यान विच रख के करनी है कि वो अडैप्टेशन उस बच्चे दियाँ जो स्पेसिफिक लोड़ा ने उन्होंने फुलफिल करे। हो सकता है कि किसी बच्चे नू सारे 9 एरियाज़ विच अडैप्टेशन की लोड़ ना होवे तो सानू उस बच्चे लिए सारे एरियाज़ विच अडैप्टेशन करन की लोड़ नहीं है। टीचर इज़ नॉट एक्सपैक्टेड टू मेक डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट। थोड़े तो ये एक्सपैक्ट नहीं किया जा रहा कि तुसी 50 स्टूडेंट्स लिए 50 प्रोग्राम्स बनाओगे, बट एक प्रोग्राम च ही असी इस तरह का प्रोग्राम डिजाइन करांगे तुसी अपने 50 दे 50 स्टूडेंट्स नू एडजस्ट कर सकिए। तो जिवें सपोज दीज आर दी डिफरेंट अडैप्टेशंस जो उन्होंने दसिया ने, जो सानू 9 अडैप्टेशंस असी प्रीवियसली भी डिस्कस कीतियां सी। फर्स्ट अडैप्टेशन इज़ एन इनपुट जिथे आप मल्टीपल लर्निंग एक्सपीरियंसिस देवे बच्चों, सो क्लास पढ़ाने लगे कुछ ब्लैकबोर्ड पर लिखांगे, कुछ बोलांगे, कोई एक्टिविटी भी करवावांगे सो दैट हर बच्चे साडे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स वाले बच्चे उस टीचिंग लर्निंग प्रोसैस तो अपने सीख सकन कुछ। दैन आउटपुट
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਨ ਓਰਲ ਟੈਸਟ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਟਰੈਟਜੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕੀਪ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਇੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਦੈਨ ਥਰਡ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟੋਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਦੈਨ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਗੋਲਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਐਵਰੀਵਨ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਅ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਐਵਰੀਵਨ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ 80% ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਰਨ ਮਨੀ ਫੋਰ ਆ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਸੋ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੋਲਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅ ਟਾਈਮਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਵ ਅਰਨਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੈਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਂਡਿਡ ਕਰੀਕੁਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀਅਰ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਅਰ ਕਰੀਕੁਲਮ ਅਗੇਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਟੋਪਿਕਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੇ ਬਟ ਦ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ ਈਜ਼ੀਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ 9 ਕਾਇੰਡਸ ਆਫ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨ ਦਿਸ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਐਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਇਹ 9 ਏਰੀਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੋਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 50 to 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਦੈਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਦੀਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਫ ਐਨ ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਟੀਚਰ ਵਿੱਚ 4 ਕੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਿਜੇ ਨਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇੰਕਲੂਸਿਵਨੈਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਰਨਿੰਗ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੀਸ ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਕਲੂਡ ਦੀਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਫ ਐਨ ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਟੀਚਰ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਚਾਈਲਡ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 1-to-1 ਕਰੋ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨਾਲ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣ ਸਕੋ ਦੈਨ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਟੀਚਰ ਮੈਟਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਟੀਚਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀਅਰ ਆਰ ਫਰੂਟਸ ਰਾਈਟ
सो तुसी हमेशा प्रभावशाली अप्रोच नू चूज़ करो। जरूरी नहीं हुंदा कि असाइनमेंट मैथड ही वधिया मैथड है या ये लैक्चर मैथड भी बहुत वधिया मैथड हो सकता। इट्स जस्ट दैट हाउ यू अप्रोच द मैथड, ये चीज़ नू आपां ध्यान रखना। स्ट्रेंथ बेस्ड कोलैबोरेटिव अप्रोच, मतलब जिन्हां नाल असीं कोलैबोरेट करिए थोड़ी ताकत बनन, कमजोरी ना बन जाने। इह जिहा कोई पार्टनर नहीं चूज़ कर लेना जो थोड़ा होर मुश्किल करता जाए काम नू। सो तुसीं जिहड़ी कोलैबोरेशन करनी है दैट शुड इनक्रीज़ योर स्ट्रेंथ। एंड सिस्टमैटिक ते ट्रांसपेरेंट लुको नहीं होना चाहिए ते तरतीब अनुसार प्लैनिंग करो। सो इनू तुसी जदों ध्यान विच रखोगे उस तो बाद ही तुसी बच्चे लई स्पोर्ट नू प्लैन आउट कर सकते हो। एंड जदों तुसी स्पोर्ट नू प्लैन आउट कर लोगे तुसी कुछ चीज़ां चैक करनी है। चैक की करना है, द करिकुलम इज लेफ्ट। तुसी करिकुलम विच कोई बहुत वड्डा बदलाव तो नहीं करता, डिफरेंट ऑब्जेक्टिवस एंड विद इन द सेम एक्टिविटी बनाए ने या नहीं बनाए, अडैप्टेशन जिहड़ियां चाहीदियां ने, थोनू असिस्टेंस किन्नी चाहिए एंड ऑल्टरनेटिव करिकुलम चाहिए या नहीं, ये पांच क्वेश्चन तुसी ध्यान रखने हैं। दैन जे तुसी क्लासरूम दे विच जदों सपोर्ट प्लान करनी है तो आप इस तरह का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिस विच तुसी एक साइड ते सब तो पहला, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नू डिजाइन करन लई थोनू पहला ये पता होना जरूरी है कि थोड़े बच्चे नू किस तरह की लोड़ चाहिए। सो थोनू की करना पेगा, एक्सप्लोरेशन करनी पेगी। सो उस तुसी एक्टिविटीज़ इधरली साइड ते सारियां लिख लोगे जिहड़ियां जिहड़ियां तुसी प्लान कीतियां, एंड वर्टिकल साइड ते आपां इंडिविजुअल गोल्स लिखांगे, व्यक्तिगत लोड, इस एक्टिविटी नाल किहड़ा गोल अचीव होएगा, इस नाल किहड़ा होएगा, वो तुसी इस तरह प्लैन आउट कर लोगे। जिवें फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि तुसी फिजिकल एक्टिविटी, टिपिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल डे ऑफ अ चाइल्ड फर्स्ट रो विच लिख लोगे एंड दैन उहदे इंडिविजुअल गोल्स नीचे लिखोगे। जिवें फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी दिस एग्जाम्पल सी, जिवें आपां इहदे च कर लिया कि सपोज मेरी एक्टिविटीज़ की हैं, मॉर्निंग असैम्बली, राइटिंग कराना, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट क्राफ्ट, ये साडियां क्लासेस ने। इहदे विच असैम्बली विच की ऑब्जेक्टिव अचीव होएगा, बच्चे की स्पीच होएगी, बोलनगे ना कुछ, इंडिपेंडेंट वॉकिंग हो, क्योंकि लाइन्स जाना है आना है, पीयर इंट्रैक्शन वधदी है। जे तुसी क्लास राइटिंग कराने हो उहदे नाल किहड़ियां ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुंदे ने, इंग्लिश नाल किहड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव होएगा, मैथ्स नाल किहड़ा होएगा। सो इस तरह का तुसी एक मैट्रिक्स बना लोगे, उस नाल तुहानूं ये पता लग जूगा कि जो डेली एक्टिविटीज़ है। हुण जिवें सपोज किसी बच्चे नूं आई हैंड कोआर्डीनेशन च प्रॉब्लम है तो सानूं ये पता है कि वो एक असैम्बली विच सानूं उहनूं हैल्प करना पऊ, इंग्लिश मैथ्स विच हैल्प, सॉरी राइटिंग दे विच हेल्प करना पेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट करना पेगा, लंच टाइम करना पेगा एंड गेम्स पीरियड्स करना पेगा, बाकी चीज़ां वो बच्चा ठीक तरह कर लेगा। उसी तरह मैचिंग कलर्स हैं तो वो कितने कितने उसनू हेल्प की लोड़ है, उसी प्लान इस मैट्रिक्स नू देख के सानू ईजीली पता लग जाता है एंड अकॉर्डिंगली फिर तुसी की करते हो, एक्टिविटीज़ प्लान करते हो। जिवें सपोज आप इतने लिख लिया ना ग्रुप गोल्स ऑफ अ लैसन भी लिखे हुए हैं एंड स्टूडेंट्स हू रिक्वायर अडैप्टेशन थोड़े को लिखा सी, फिर उन्होंने इंडिविजुअल गोल्स नू आपां अलाइन कर लांगे सी। जिवें सपोज अगेन दिस इज रिटन कि थोड़ा ग्रुप गोल की है, ग्रुप इंस्ट्रक्शन है, कोई एक्टिविटी तुसी क्लास करवानी है, इंडिविजुअल गोल्स उहदे च की होणगे, ग्रुप इंस्ट्रक्शन तो होएगा ही होएगा, प्लस पीयर सपोर्ट, ग्रुप डिस्कशन विच बच्चे की ज्वाइन करन दी, वो ज्वाइन करन लई उसनू खास करके बुलाउणा पऊगा। मेनी टाइम्स हो सकदा कि जिहड़ा स्पैशल बच्चा वो थोड़ी ग्रुप डिस्कशन च अपने आप ना पार्टिसिपेट करे, सो थोनू उहनू इनवाइट करना पऊगा। जे तुसी कोई व्यक्तिगत काम करवा रहे हो वो स्मॉल ग्रुप्स च करवाना पऊ, थोनू उहदे लई को टीचर की सपोर्ट चाहीदी है। जे हर बच्चे नू कल्ले कल्ले नू एक टीचर का काम नहीं ना करवा सकदा, उसनू या तो नाल एक होर टीचर चाहिए या पीयर सपोर्ट चाहीदी है। सो दिस वे यू कैन मेक अ टेबल एंड दिस विल हेल्प यू टू डिवेलप अ इंडिविजुअल एजुकेशन प्लैन। नाउ दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव मॉडल ऑफ स्पोर्ट जिहदे विच असी हेल्प लैंदे हां बाकी लोगों की, इहदे विच फुल क्लास पार्टीसपेशन इनश्योर होंदी है एंड टीचर इस दे विच डिफरेंट एक्टिविटीज़ नू यूज कर सकदा है अपने बच्चों नू सैटिस्फाई करन लई। सो थोड़े कोल टेबल है विच अगेन वी हैड ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, जो थोड़ा दस रहा है कि डिसेबिलिटी स्पैसीफिक की अकोमोडेशन एंड अडैप्टेशन चाहिए ने। जे बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है उहदे लई सानूं की चीज़ां चाहीदियां ने एंड जे बच्चा सपोज उस तो इलावा होर की अडैप्टेशन चाहिए। सिमिलरली जो बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है उसके लिए की अडैप्टेशन स्पेसिफिकली चाहिए ने, वो इस टेबल दे विच मेंशन है। अगेन यू विल गो थ्रू ऑल दीज अडैप्टेशन एंड इन केस कोई डिफिकल्टी हुई यू कैन कम अप विद द डिस्कशन और डाउट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। दैन अगेन जो तुम असिस्टिव एड्स यूज करते हो, सो कॉमनली जो असी आम तौर पर जिद भी सानू कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करनिया पैदा अडैप्टेशन यूज़ करते हैं, वो इस न रिलेटिड है जिद आप स्टूडेंट की इनवायरमेंट न अडैप्ट कर दें सो दैट वो स्पैशल नीड्स मीट हो सकन, डिस्ट्रैक्शन घटा दें जिन्ना हो सके, बच्चे लिए इनवायरमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो, वह ध्यान न भड़के, ब्रेक्स ज़्यादा देनी आ, स्पीच क्लीयर होनी चाहिए, टीचर जो इंस्ट्रक्शन देवे वो स्पैसीफिकली क्लीयर होनी चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ प्रमोट करना, पीयर सपोर्ट, बड़ी सिस्टम बनाना,
स्मॉल ग्रुप्स च पढ़ाना बच्चों, बच्चे नू एक्स्ट्रा टाइम देना, टेक्नोलॉजी देना बच्चे दे काम नू रिकॉर्ड करने लिए, जिवें तुसी फोटोग्राफ्स या टेप्स यूज कर सकते हो। तो बच्चे नू कई बार बाद चो पता ही नहीं लगता कि मैं ये गल कीती सी, सो दैन यू कैन यूज दैम। फ्लैक्सीबल मोड ऑफ असैसमेंट्स, दीज आर कॉमन अडैप्टेशन एंड ईजी अडैप्टेशन, जिस कोई बहुत वड्डी ट्रेनिंग की लोड़ नहीं है, जो असी अपनी नॉर्मल क्लासरूम्स कर लें। सो दिस इज़ वॉट NCF प्रपोज्ड। अगेन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन आर प्रीवियस प्रेजेंटेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करिकुलम अडैप्टेशन। दिस इज़ अ फ्यू काइंड ऑफ एन असाइनमेंट गिवन, इन केस यू विश यू कैन यू डू दिस असाइनमेंट। यू कैन एक्चुअली किसी भी एक बच्चे को ध्यान में रख के तुसी अपना मैट्रिक्स या 9 टाइप्स ऑफ अडैप्टेशन बना सकते हो कि तुसी की करोगे क्लास में। वील डिस्कस दिस इन आर क्लासरूम्स व्हेनेवर वी मीट अगेन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट करिकुलम अडैप्ट।